अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी मसाला भिंडी और अचारी भिंडी। तो यह है कि हम पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आले सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैह। तो ये मैं अचारी भिंडी जो बनाऊंगी उसके लिए मैं पहले अचार मसाला तैयार करूंगी। तो मैं अचार मसाला इसमें भिंडी में भी डालती हूँ, आलू बैंगन में भी डालती हूँ, आलू की तरकारी में भी डालती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब तैयार होता है तो सब चीज़ें मैं डालते हैं। तो यह है कि आप देखिए और फिर आप भी बना कर पीस कर रख लीजिएगा, क्योंकि मैं पीस कर रख लेती हूँ बॉटल में भर के ना। तो ये मैंने एक टेबल स्पून साबित धनिया लिया है, एक टेबल स्पून सौंफ ली है, एक टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, एक टेबल स्पून राई दाना है, एक टेबल स्पून ये मेथी दाना है, और ये साबुत मिर्चें हैं, इसको भी मैं पीसूंगी। ये मैं सुखा कर रख लेती हूँ, तो ये बहुत अच्छी, मतलब इसका ज़ायका बहुत अच्छा होता है। ये छोटी हरी मिर्चें हैं, इनको मैं सुखा कर और रख लेती हूँ फ्रिज में, तो बहुत अच्छा ज़ायका आता है। और उसके बाद जो है हम मसाले डालेंगे दूसरे। तो उसमें है हल्दी, क्योंकि नहीं पिसेगी, पिसी हुई होती है। तो नमक और कलौंजी, ये ठीक है, कलौंजी ली है मैंने, एक टीस्पून कलौंजी ली है, क्योंकि कलौंजी कम डलेगी, नमक भी कम डलेगा, इसलिए कि नमक हम सालन में पहले ही डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए अचार मसाला जो मैं तैयार करके रखूँगी उसमें मैं नमक कम डालती हूँ, और ये एक टीस्पून से थोड़ा सी ज़्यादा हल्दी है, और एक टीस्पून से भी थोड़ी कम ये है टाटरी, ठीक है। तो यह है कि टाटरी बढ़ाना चाहें आप बाद में बढ़ा सकती हैं, क्योंकि ये पिसेगी, ये चीज़ें चारों पिसेंगी नहीं, और ये जो हैं सब चीज़ें ये भुनेंगी भी। साबित धनिया है, सौंफ है, और ये ज़ीरा है, राई, मेथी दाना, ये सब हल्के चूल्हे पर बिल्कुल भुनेगा भी और उसके बाद पीसेगा। चलें जी, पहले हम मिर्चें पीस ले, वो भून लेते हैं। मुसलसल चमचा चलाना होता है इसमें, ताकि ये जलकर काली ना होने पाए। हर मसाला, धनिया है, ज़ीरा है, ज़ीरा तो बहुत ही जल्दी हो जाता है, तो यह फिर मसाला काला हो जाता है अगर हम इसको छोड़ देंगे या हम तेज़ चूल्हे पर रखेंगे इसको। देखिए हो गई है, खुशबू आने लगी इसमें से। इसको मैं पलट लूँगी प्याले में। ज़ीरा और धनिया अलग अलग भुनेगा, क्योंकि ज़ीरा जो है एक मिनट में हो जाता है, इसलिए धनिया जो है थोड़ा टाइम लेगा भुनने में, लेकिन मुसलसल चमचा चलाना होगा आपको, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। स्लो चूल्हा रखना है और मुसलसल चमचा चलाना है। ये भी हो गया, ये साबुत धनिया, और फिर गरम फ्राई पैन में छोड़ना नहीं है किसी भी चीज़ को भूनते वक्त, इसलिए कि अगर आप डलर एंडिंग इसमें, फ्राई पैन गर्म होता है तो वो काला हो जाता है, चूल्हा आप बंद भी कर दें लेकिन वो चीज़ काली हो जाएगी, इसलिए फौरन के फौरन ये मसाला निकालते जाते हैं। कोई सा ही मसाला हो, अगर कभी आप ज़ीरा भून रही हैं, सौंफ भून रही हैं, पैन में से फौरन निकाल दें, जिस चीज़ में भून रही ना उसमें से फौरन निकाल लें, भून चुका है तो।
ये अच्छा खासा बनकर तैयार होगा तो मैं इसको बोतल में भर के रख लूँगी। और बना हुआ था मेरा वो ख़त्म हो गया है, तो मैंने कहा अच्छा आपको भी बता दूँ, आप भी देख लेंगी। और यह है मेरा मसाला भी तैयार हो जाएगा। ये देखें कितना लाइट लाइट सा भुना है मैंने, कितना अच्छा कलर है। बिल्कुल सेम इस तरह रखना है, हल्का हल्का सा कलर, ना भुन भी जाए और जलने भी ना पाए। ठीक है, अब मैं इसको पीसती हूँ, फिर इसमें और चीज़ें मिलाऊँगी। अच्छा जी, ये देखें मेरा मसाला ये पीस चुका है, जो पीसने की चीज़ें थी अचार मसाले की वो पीस ली हैं। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ये कलौंजी साबुत, नमक और ये टाटरी, एक टीस्पून से कम मैंने टाटरी ली है। ठीक है, ये मैं डालूँगी और ये एक टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी ली है। ठीक है, अब मैं इसको मिलाकर और रख दूँगी बॉटल में भर के। ये देखें इस तरह की कोई सी भी बॉटल, इस तरह से मैं चिट लगा लेती हूँ। ठीक है, और इसको मैं भरकर बॉटल में और फ्रीज में रख देती हूँ, क्योंकि बाहर हम रखेंगे ना इतना सारा मसाला है तो उसमें कीड़ा लगने का डर होता है, कीड़ा लग जाता है फिर बेकार हो जाता है मसाला। इस तरह से भरकर मैं रखूँगी इसको। बहुत सारे मसाले ऐसे हैं जो हम खुद पीसते हैं और फिर मैं इसमें ही रखती हूँ फ्रीज के अंदर, ये इस तरह से बॉटलों में। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने एक पाव भिंडी ली है। ठीक है, और इसमें मसाला डलेगा, एक छोटी डली मैंने प्याज की ली थी, एक छोटा टमाटर लिया था और 3 टेबल स्पून सरसों का तेल है। हम सरसों का तेल यूज़ करते हैं, आप चाहे किसी भी कुकिंग ऑयल में बनाएं। ठीक है, 1/2 टीस्पून पिसी हुई मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई ली है और 1/2 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 6-7 ये छोटी हरी मिर्चें डालेंगी साबुत। ठीक है, क्योंकि वो अगर मैं काट के डालूँगी, काट के अगर हम कोई भी डालेगा काट के तो वो तो भिंडियों के साथ खा ही जाएंगी, बाद लोग कम खाई जाती है, इसलिए मैं साबुत डालती हूँ ताकि खुशबू आ जाए। तो अभी मैं अचार भिंडी तैयार कर रही हूँ, अचारी भिंडी, और आखिर में डलेगा इसमें अचार मसाला, वो मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है जी, हम शुरू करते हैं भिंडी का मसाला तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 टेबल स्पून सरसों का तेल है, 1 छोटी डली प्याज की मैंने ली थी, 1/2 टीस्पून। ठीक है, साथ साथ इसमें डालेगा ये ज़ीरा, ज़रा ये कच्ची पक्की प्याज हो जाए तो फिर मैं मसाला डालती हूँ इसमें। ये देखिए कच्ची भुनी हो गई ये प्याज, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और ये मसाला। इसको थोड़ा सा भूनकर फिर मैं भिंडियां डालकर दम पर रखूंगी। देखिए मसाला मैंने भून लिया है। ठीक है, अब मैं इसमें डालती हूँ ये भिंडी और ये हरी मिर्च साबुत। ठीक है, और 1 टीस्पून ये देखें मैंने बॉटल में भर के रखा है अचार मसाला। ठीक है, अब अगर मुझे कम लगेगा ये मसाला तो हम ये आखिर में भी डाल सकते हैं, वो इसलिए कि हमारा मसाला सारा भुना हुआ है।
तो कच्चे मसाले की तो आएगी नहीं, अगर आप बाद में भी डालती हैं तो कच्चे मसाले की नहीं आएगी। अब मैं इसको दम पे डाल दूंगी। अब मैं इसको दम पे रखती हूँ, दम पर ही हो जाएंगी। चलिए जी हम अपनी भिंडी देखते हैं, तैयार है बिल्कुल माशाल्लाह। एक पाव भिंडी में मैंने एक टीस्पून अचार मसाला डाला था, बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरी अहम बात यह है कि पानी एक कतरा भी नहीं डलता भिंडी में, और काटने से पहले धोते हैं। बस बच्चियों को नहीं पता, बच्चियों को बता रही हूँ मैं कि काटने से पहले धोते हैं, फिर उसको खुश कर लेते हैं पंखे के नीचे रखकर या टिश्यू बिछाकर खुश कर लें, उसके बाद काटें, ठीक है। और इस पर मतलब भाप में गलती हैं, ये पानी बिल्कुल नहीं डलता है, बिल्कुल मैंने इसको दम पे छोड़ दिया था तो गल गई है माशाल्लाह, ठीक है। अब हम बनाते हैं मसाला भिंडी, यकीनन आपको पसंद आएगी अचारी भिंडी। अब मैं मसाला भिंडी बनाती हूँ। अच्छा जी, अब हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। और मसाला भिंडी जो है सिर्फ इसके आगे पीछे से ये थोड़ी सी नोक कटती है, ऊपर से वो कट जाती है उसकी डंडी सी जो लगी होती है। एक पाव भिंडी है ये, मैंने एक पाव लिया, उसी हिसाब से इसमें मसाले डालेंगे। एक टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक टेबल स्पून ब्राउन प्याज है, एक टेबल स्पून कच्ची प्याज है, और एक बिल्कुल छोटा सा टमाटर लिया था, और एक टेबल स्पून दही है, सही है। और ये 5 टेबल स्पून सरसों का तेल है, क्योंकि वो ज़रा ग्रेवी वाली बनेगी ना भिंडी, मसाला भिंडी, इसलिए उसमें। और ये 1 टीस्पून मैंने ये पिसी हुई मिर्च ली है, आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया है, और बिल्कुल थोड़ा सा जो है गरम मसाला है आधे टीस्पून से भी कम, और आधा टीस्पून नमक है, और आधा टीस्पून जो है उससे भी कम है हल्दी, ठीक है। अब हम ये प्याज पीसते हैं, टमाटर पीसते हैं, उसके बाद हम मसाला भूनेंगे। चले जी, ये मैंने मसाला ये पीस लिया है, ब्राउन प्याज, कच्ची प्याज, टमाटर। तो अब हम शुरू करते हैं बनाना। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा डलेगा। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया था 1 टीस्पून, ये भी डलेगा। एक पाव भिंडी है इसलिए हर चीज़ मैंने कम कम ली है। दही भी डाल देंगे साथ में। ये मसाला डालेंगे जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी मसाले की। देखिए काफ़ी अच्छा मसाला भुन चुका है, ठीक है। अब मैं इसको भी भिंडियों को इसमें भी दम पे डालूंगी, इसलिए कि भिंडियां जो है बहुत जल्दी गलती हैं और दम पे डालने से टूटती नहीं है, गल भी जाती हैं और टूटती नहीं है, साबुत साबुत रहेंगी और गल भी जाएंगी। और उसमें मैंने छोटी हरी मिर्चें डाली थी अचारी भिंडी में, इसमें मैं बड़ी हरी मिर्चें डालूंगी। 4 मिर्चें मैं डाल ली हूँ। अब मैं इसको दम पे मसाला मिलाकर और दम पे मैंने छोड़ना है इसको, बस दम पर गलेंगी। बहुत मज़ेदार बनती हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोनों ही, ये भी मज़ेदार बनती है, वो भी मज़ेदार बनती है। अच्छा जी, देखते हैं हमारे मसाला भिंडी का क्या हाल है। ये देखें माशाल्लाह तैयार हो चुकी हैं, ऑयल भी ऊपर आ चुका है,
बिल्कुल तैयार ही है और देखें टूटी भी नहीं है, गल भी गई है टूटी भी नहीं है हमारी मसाला भिंडी। ये भी बहुत टेस्टी बनी है, वो भी बहुत टेस्टी बनी है अचारी भिंडी, ज़रूर आपने ट्राई करना है। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे। ठीक है, बना के आपने ट्राई करना और अचार मसाला ज़रूर तैयार करके रखना क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में डलता है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।